तो आज मेरे पास है एक गीगाबाइट का 110 सीरीज का मदरबोर्ड GA H110M S2 और इसका रिविजन 1.0 है। तो इस बोर्ड के ऊपर अभी जो मैं केस स्टडी बना रहा हूँ इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो डाल के रखा है, करीब करीब होगा, मे भी याद नहीं है उतना, पर लगभग दो डाला है सेम केस के ऊपर। पर देखो आज ये जो वीडियो अभी बना रहा हूँ इसमें जिसको बस सीखना ही है तो वो बस बने रहो वीडियो में, जिनको बस सीखना है, काम पे इंटरेस्टेड हो, जो सीखना चाहते हो वही रहो वीडियो पे, और जिनको सीखना नहीं है वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखो क्या है वीडियो में। तो ये मैंने ऑलरेडी बता के रखा है पर आज मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ कि क्यों होता है और कैसे होता है नो डिस्प्ले वाला केस का सलूशन इस टाइप का। ये हमारा बोर्ड है और ये दे दिया हमने ट्रिगर, बोर्ड हमारा ऑन हो गया। बोर्ड में हमारा रीसेट नहीं है और 00 कोड है, रीसेट नहीं है और 00 कोड है। सीपीयू हमारा बिल्कुल हीट नहीं है, पर इस केस में आपको अभी जो मैं केस स्टडी दिखा रहा हूँ इस केस में आपको सीपीयू हीट कभी भी नहीं मिलेगा। अगर सेम बोर्ड आपके पास हो, सीपीयू हीट नहीं हो रहा है, आपके पास कार्ड भी हो, 00 कोड है, तो आप डेफिनेटली आँख बंद करके सोचो कि हमारा बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। इधर इस बोर्ड में और एक प्रॉब्लम आता है, सीपीयू भी हिट नहीं होगा, कोड भी जनरेट नहीं होगा और रिसेट भी जनरेट नहीं होगा, वो PCH से होता है, प्लेटफॉर्म कंट्रोलिंग हब जो होता है हमारा मदरबोर्ड में PCH, इससे भी ये बोर्ड का प्रॉब्लम आता है। पर ज़्यादातर केस में इस बोर्ड में यही एक कंपोनेंट होता है, एक मॉस्फेट है इन चैनल का, ये मॉस्फेट के वजह से ये प्रॉब्लम आता है। पर अभी जो हम बता रहे हैं ये जो बोर्ड में नो डिस्प्ले कंडीशन है, एक्चुअल में क्या मॉस्फेट ही ख़राब है या फिर कुछ और ख़राब है? पिछले वीडियो में मैंने मतलब बहुत पहले के दिखाया मॉस्फेट ख़राब है, उसको बाईपास कर दिया, और कुछ वीडियो में मैंने दिखाया मॉस्फेट चेंज भी करके सॉल्व हो गया। पर आज मैं डिस्कशन करूँगा मॉस्फेट चेंज करना इम्पॉर्टेंट है, मॉस्फेट ख़राब है या फिर बाईपास करना है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ और ऑफ करने के बाद एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ बोर्ड में, देखो ऑफ करने के बाद मैं दिखाता हूँ। इस टाइप के केस में यहाँ पर एक K72 मॉस्फेट होता है, ये वाला मॉस्फेट, ये मॉस्फेट अगर ख़राब होता है तो ही हमारा ये जो IC का VCC सप्लाई एक होता है जो मिसिंग होने हो जाता है। तो ये IC का सप्लाई अगर मिसिंग होता है तो ये IC टोटली काम नहीं करता है, और ये कोर IC PWM IC है ये, तो ये कोर IC जब तक काम नहीं करेगा तब तक हमारा VRM सेक्शन मतलब एक्टिव नहीं होगा, और जब तक हमारा VRM सेक्शन एक्टिव नहीं होगा तब तक आपका जो CPU है उसमें मतलब हीटिंग नहीं आएगा, CPU काम नहीं करेगा, CPU आपका हीट नहीं होगा और डिस्प्ले भी नहीं आएगा, कोड भी कोई जनरेट नहीं होगा, रीसेट भी जनरेट नहीं होगा। तो ये 100 सीरीज़ का बोर्ड में ऐसे ही होता है लगभग। तो देखो गीगाबाइट का अगर मैक्सिमम जितने भी 100 सीरीज़ का बोर्ड है सारा बोर्ड में ही एक ही आर्किटेक्चर में बना हुआ है, और सारा 110 का बोर्ड में ही आपको यहाँ पर पेयर टू पेयर दो आपका कंपोनेंट दिखने को मिलेगा जो कि 3 लेग का है। उनमें से जो फास्ट वाला होता है मतलब IC के बाद में जो होता है लेफ्ट साइड में, तो ये होता है इसका, इस बोर्ड में अभी इसका मॉडल क्या नाम से है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक सेकेंड, K72। तो इस बोर्ड में K72, कुछ कुछ बोर्ड में आपको 7002 आएगा, मतलब 702 आएगा, ऐसे कुछ आता है। पर जो भी नंबर हो इस बोर्ड में आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी नंबर के साथ ये कंपोनेंट आता है, पर ये एक टिनी मॉस्फेट जिसको टाइनी मॉस्फेट बोलते हैं, इन चैनल का ही मॉस्फेट है ये एक। तो अभी क्या है, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि यहाँ से ड्रेन टू सोर्स, इसका ड्रेन में एक 5 वोल्ट, अभी मैं दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ड्रेन में एक 5 वोल्ट प्रेजेंट रहता है, उसको सोर्स तक लाना होता है। ड्रेन टू सोर्स अगर आप 5 वोल्ट बाईपास कर देते हो
तो आपका बोर्ड में डिस्प्ले आ जाएगा, ये आईसी काम करना चालू करेगा, प्रोसेसर काम करेगा, उसके बाद आपके बोर्ड में डिस्प्ले आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा। पर कुछ केस में क्या होता है, आप अगर बाईपास करते हो तो ठीक है, कुछ कुछ लोग हैं नहीं मैम कंपोनेंट ख़राब है इसको चेंज करूँगा। तो अभी जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड में केस क्या है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस केस में आपको अगर मॉस्फेट आप रिप्लेस करते हो, यहाँ पर कुछ नया मॉस्फेट डालते हो, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, और इसके लिए ही मैं वीडियो दे रहा हूँ। तो अभी क्या हो रहा है थोड़ा सा पास से देखना पड़ेगा हमें और समझना पड़ेगा। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप बिंदास काम कर सकोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा काम पे। तो चलो, वीडियो में भी थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, पर जिसको सीखना है वही रहो, क्योंकि जो सीखता है वो लॉन्ग वीडियो अटेंड करता है। और जिनको शॉर्टकट वे पसंद है भाई, जिनको शॉर्टकट वे पसंद है वो अभी वीडियो क्लोज कर दो, यहाँ से यहाँ तक एक जंपर कर दो, सॉरी इस मॉस्फेट का यहाँ से यहाँ तक एक जंपर कर दो, आपका काम बन जाएगा, आप अभी वीडियो क्लोज कर सकते हो। तो और जिनको सीखना है वो रहो। तो ये बोर्ड में फिर से पावर देता हूँ, और ये देखो टिगर दिया, कोई भी कोड नहीं है। तो अभी ऐसे ही बने रहो, और फिर से ऑफ किया, फिर से ऑफ कर दिया। अभी मैं दिखाता हूँ, जिनको बस इतना ही सीखना है कि बाईपास करने से हो जाएगा, वो अभी मैं दिखाने के बाद वीडियो क्लोज कर सकते हो। तो देखो फिर से हमने पावर दिया, और अभी जो है इस मॉस्फेट को मैंने थोड़ा सा कैसे करेंगे, तो इस मॉस्फेट को मैं बस ड्रेन टू सोर्स एक बाईपास दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट कर रहा हूँ मॉस्फेट को। अभी देखो टिगर दिया, कोड चालू हो गया जनरेट होना, ये छोड़ दूंगा, बोर्ड ऑफ हो जाएगा। तो बस उसको बाईपास कर दो, आपका काम बन जाएगा। जिसको शॉर्टकट चाहिए वो इतना ही खुश रहो इतने में ही, और जिनको सीखना है अभी देखो क्या हो रहा है। तो देखो बोर्ड ऑन है, और इसके लिए मुझे एक फ़ैन डालना पड़ेगा ताकि बराबर पता चले कि बोर्ड चल रहा है, और हमारा जो सीपीयू है बिल्कुल हीट नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन टोटली वीएरएम सेक्शन इसका काम नहीं कर रहा है। तो फैन में बस दिखाने के लिए दे रहा हूँ कि बोर्ड ऑन है हमारा। तो एक सेकेंड, डिबग कार्ड को मैं एक बार हटा देता हूँ, ताकि ये फिर से पावर दिया, बोर्ड हमारा चालू हो गया, ठीक है। तो अभी एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा है इसका, डीसी ट्वेंटी पे हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे। और अभी देखो, तो मैं एक इन चैनल का डिटेल्स में एक वीडियो का रिक्वेस्ट है बहुत सारा, तो कैसे वोल्टेज पास होता है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो दूसरा एक डीसी पास सप्लाई चाहिए, दो डीसी पास सप्लाई के बिना नहीं होगा ये, तो मेरा एक जल्दी आने वाला है डीसी पास सप्लाई, तो मैं वीडियो कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है, आने के बाद। तो अभी देखो ये हो गया हमारा, एक को मैंने ग्राउंड दे दिया। अब मल्टीमीटर को आपको बस फॉलो करना है, ठीक है, कहाँ पर रख के दिखाऊं, ये है बस, अब क्लियर है। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक सेकेंड, लेफ्ट हैंड में लेना पड़ेगा। उससे पहले मैं टोटली ग्राउंड कर देता हूँ इस पिन को, ताकि मुझे लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम ना हो। तो अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मल्टीमीटर भी दिख रहा है, बोर्ड भी दिख रहा है, एक सेकेंड और भी क्लियर। देखो ये देखो, अभी जो है यहाँ पर ड्रेन पे कितना वोल्टेज है, 5.12 वोल्टेज है, और सोर्स पे इसका कितना है, 1.91, मतलब यहाँ पर भी 5 वोल्ट का रिक्वायर है सोर्स पर। यहाँ पर जो वोल्टेज है एज इट इज़, ये वोल्टेज सोर्स पर भी इसको आना चाहिए। अगर सोर्स पर ये वोल्टेज आता है तो ही हमारा ये आईसी को पीडब्ल्यूएम आईसी काम करना चालू करेगा और बोर्ड में डिस्प्ले आएगा। अदरवाइज़ किसी बोर्ड में कोई दूसरा प्रॉब्लम भी है इसके बाद भी, तो वो बात अलग है। पर अगर आपके बोर्ड में और कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ से ही हो रहा है, तो देखो ये है हमारा ड्रेन जो कि 5.12 वोल्ट मिल रहा है, और ये है हमारा सोर्स जो कि 1.93 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि ये इनवैलिड वोल्टेज है। ये जो 1.93 वोल्टेज है ये क्या है, इनवैलिड वोल्टेज है, इस वोल्टेज में हमारा आईसी काम नहीं करेगा। अभी इसको, अभी ट्विस्ट यहाँ पर है, ये मॉस्फेट एक्चुअल में ख़राब है कि नहीं, यही बस मैं वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी देखो इसका गेट पे कितना वोल्टेज है, 7.5 वोल्ट, तो इसका गेट में 7.5 वोल्ट है।
और इसका ड्रेन पे कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट है। और ये एन चैनल मॉसफेट, हर वक्त एक चीज़ याद रखना है आपको, एन चैनल मॉसफेट में जो सप्लाई, हाई सप्लाई, अगर गेट पर अगर हाई सप्लाई ना मिले तो एन चैनल मॉसफेट सोर्स से मतलब जितना रिक्वायर है उतना वोल्टेज पास नहीं करेगा कभी भी। और पी चैनल मॉसफेट का हर वक्त लो सप्लाई इनपुट होता है, एन चैनल मॉसफेट का गेट पे हर वक्त हाई सिग्नल, हाई सप्लाई होना चाहिए, और पी चैनल मॉसफेट के गेट पे हर वक्त लो सिग्नल सप्लाई होना चाहिए। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है, अगर इस टाइप के केस में अगर आपके पास बहुत सारा ये कंपोनेंट है या फिर स्क्रैप बोर्ड है, आपने यहाँ पर एक रिमूव करके लगा दिया तो सेम कंडीशन रहेगा। आपने अगर कंपोनेंट को चेंज कर दिया तो सेम मतलब कंडीशन बोर्ड में रहेगा, डिस्प्ले नहीं आएगा, आपको यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा और सोर्स पर भी सेम 1.9 वोल्ट ही मिलेगा। क्योंकि ये जो कंपोनेंट हमारा अभी दिख रहा है AK72, ये मॉसफेट जो टीनी मॉसफेट है ये ख़राब नहीं है। अभी कैसे पता चलेगा ख़राब नहीं है, क्योंकि इसका गेट पे जो सप्लाई आना चाहिए वो एज़ पर स्कीमेटिक 12 वोल्ट का सप्लाई आना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं खोल के नहीं बैठा हूँ स्कीमेटिक पर, एज़ पर स्कीमेटिक जाओगे तो 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पर गेट पे इसको होना चाहिए। जब इसका गेट पे 12 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा तब जाके यहाँ का 5 वोल्ट सोर्स पर आएगा। तो ये 12 वोल्ट का सप्लाई कौन दे रहा है, ये है हमारा वो छोटा, मैं पास से दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो ये है हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई दे रहा है, इसके सामने ही एक रजिस्टर, तो ये रजिस्टर के इनपुट में हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई है, सॉरी इनपुट में हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई है, पर आउटपुट में कितना है, आउटपुट में 7.62, जो कि इसका गेट पे वही मिल रहा है 7.62-63। अभी बोर्ड को ऑफ करता हूँ, बजर मोड पे लेता हूँ और ऐसे करने से दिखता है इजीली। तो अभी देखो ये जो कंपोनेंट है इसका गेट ये है, और गेट से ये रजिस्टर कनेक्टेड है, ये देखो गेट से ये वाला रजिस्टर कनेक्टेड है, ये देखो ये गेट है और गेट इसका आउटपुट गेट से कनेक्टेड है, इनपुट कनेक्टेड नहीं है। इनपुट में कितना वोल्टेज है, 12 वोल्टेज है, आउटपुट में 12 वोल्टेज अगर होगा तो डायरेक्टली ये रजिस्टर थ्रू इसका गेट पे 12 वोल्ट जाएगा। जब इसका गेट पे 12 वोल्ट जाएगा तब जाके इसका ड्रेन का 5 वोल्ट सोर्स से आउट होगा। तो कुछ कुछ केस में आपको 5 वोल्ट ही नहीं मिलेगा, 4.93, 85, 86, 91 या फिर 5 वोल्ट भी मिल सकता है, पर ये नहीं कि 5 वोल्ट ही चाहिए। हमारा आईसी का रिक्वायर है 4.5 वोल्ट रिक्वायर अगर मिल जाए तो, सॉरी 4.8 वोल्ट अगर रिक्वायर मिल जाए तो भी हमारा आईसी काम करेगा। मतलब 4.8 से लेके 5.123 तक वोल्टेज अगर इसका सोर्स में आता है तो ये आईसी काम करेगा, अदरवाइज़ फोर मतलब वोल्टेज अगर यहाँ पर कम आता है, अभी 2.93 या फिर कुछ दिखा रहा था, उतना वोल्टेज अगर रहेगा तो ये आईसी हमारा काम नहीं करेगा। तो अभी क्या सलूशन है इसका, बस सलूशन है यहाँ पर एक रजिस्टर है, ये 1K का रजिस्टर होगा, इसको आप बदल दो या फिर इस रजिस्टर को हटा के यहाँ पर टोटली शॉर्ट करके जम्पर कर दो या फिर रजिस्टर को बाईपास कर लो। अगर कर देते हो तो आपका केस स्टडी मतलब केस सॉल्व हो जाएगा। तो अभी देखो मॉसफेट को बाईपास करना दिखा दिया, पर मॉसफेट हर वक्त ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये जो मॉसफेट है ये कभी कभार ख़राब भी मिलता है। मेरे पास ऐसे बहुत केस आया है, आके चला भी गया है, पर उस केस में मॉसफेट ही ख़राब था, क्योंकि मॉसफेट का गेट पे 12 वोल्ट मिल रहा था पर सोर्स से वो आउट नहीं हो रहा था, ड्रेन पे भी 5 वोल्ट था, तो मॉसफेट भी ख़राब आता है। पर आपको बस चेक करना है कि हमारा इस केस में मॉसफेट ख़राब है या फिर रजिस्टर ख़राब है। और रजिस्टर कहाँ मिलेगा, पास से मैं क्लोजली दिखा दूँ, ये देखो ये है हमारा मॉसफेट K72, और इसका एकदम सामने ही एक रजिस्टर मिलेगा। इसका रजिस्टर का राइट साइड में मतलब इस साइड में है इनपुट 12 वोल्ट और आउटपुट में भी 12 वोल्ट होना चाहिए। जब आउटपुट में भी 12 वोल्ट होगा तो आउटपुट जाके गेट से कनेक्टेड है, गेट पे भी 12 वोल्ट होगा, गेट पे अगर 12 वोल्ट आता है तब जाके ये मॉसफेट ट्रिगर होके यहाँ का 5 वोल्ट ड्रेन का 5 वोल्ट सोर्स पर आएगा। जब सोर्स पर इसका 5 वोल्ट आएगा इस मॉसफेट का, तब जाके ये आईसी काम करना चालू करेगा। तो अभी आप या तो यहाँ पर बाईपास करो ड्रेन टू सोर्स तो काम बन जाएगा, या तो इस रजिस्टर को चेंज करो
काम बन जाएगा, या तो आप रजिस्टर को बाईपास करो, काम बन जाएगा। तीनों प्रोसेस ही बता दिया, इसके ऊपर और कोई भी प्रोसेस नहीं है। इस मदरबोर्ड का नो डिस्प्ले के ऊपर अगर यहाँ से हो रहा है तो यही मेथड है, इसके ऊपर इसके बाहर और कुछ भी नहीं है। मतलब लगभग सारा बता दिया, मतलब गीगाबाइट का मैंने इतना वीडियो डाल के रखा है। कोई बंदा अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो वो बिना कोर्स करे गीगाबाइट का हर बोर्ड रिपेयर कर लेगा। करीब 2 महीना तक मेरा वीडियो देखना पड़ेगा कंटिन्यू। तो मैंने जितना वीडियो डाल के रखा है, आई होप कि गीगाबाइट के बोर्ड को लेके किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मतलब 100 से भी ज़्यादा मैंने वीडियो डाल के रखा है गीगाबाइट के बोर्ड के ऊपर, अलग अलग केस स्टडी अलग अलग बोर्ड के साथ। तो जिसको भी ये चैनल फर्स्ट मिलेगा वो अगर ध्यान से देखे, 1-2 महीना टाइम दे इसके ऊपर, तो ईजीली वो एक अच्छा मतलब टेक्नीशियन बन जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, क्योंकि मेरे चैनल पे जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ, जितने भी होता है ये बना रहा हूँ, डायरेक्टली अपलोड कर देता हूँ। ना कुछ एडिटिंग होता है, ना कुछ फेक होता है, ना कुछ मतलब मिलावट होता है। ये सबको लगभग पता होता है, जितना भी मेरा सब्सक्राइबर है सबको लगभग पता है कि मैं किस टाइप का वीडियो डालता हूँ। तो अभी हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा इसका, डिबग कार्ड कहाँ रख दिया था मैंने, यहाँ पर। तो ये देखो, अभी मैं मॉस्फेट को एक बार शॉर्ट करके मतलब बाईपास करके कोड आया था, तो अभी मैं रजिस्टर को एक बार बाईपास करूँगा और कोड भी जनरेट होगा और वीडियो में एंड करूँगा, उतना बस देख लो। तो ये देखो, ये मैंने पावर दिया बोर्ड में, अभी मैं कर रहा हूँ इसका जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर को बस शॉर्ट कर रहा हूँ, 12 वोल्ट को पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, रजिस्टर को शॉर्ट कर दिया, ये पावर दिया, 1 सेकेंड हुआ नहीं, रजिस्टर में भी राष्ट्र आ चुका है, ठीक है, रजिस्टर में राष्ट्र है। एक सेकेंड, रजिस्टर में राष्ट्र है। तो ये जो रजिस्टर है, अभी देखो कितना वोल्टेज दे रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक बार दिखा दिया और एक बार देख लो, ये 12 वोल्ट जाएगा तो काम बन जाएगा। तो रजिस्टर में राष्ट्र है, शॉर्ट नहीं हो रहा है, तो इसको शोल्डरिंग करने से हो जाएगा काम। शोल्डरिंग करके एक बाईपास कर देना पड़ेगा। तो अभी मैं देख लेता हूँ इसका आउटपुट दे रहा है कि नहीं, 6.93 दे रहा है और यहाँ पर 6 और 7, मतलब रजिस्टर ही ख़राब है। तो अभी देखो और एक बार ठीक से, यहाँ पर मुझे फिर से शोल्डरिंग करना पड़ेगा, उतना टाइम मैं नहीं लूँगा। तो अभी देखो, अगर हमने कहाँ गया ट्विज़र, अगर हमने ये रजिस्टर को शॉर्ट कर दिया, ये रजिस्टर को अगर मैंने शॉर्ट कर दिया तो बोर्ड को एक बार ऑफ करना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा। ये देखो, रजिस्टर को मैंने शॉर्ट करके रखा, कोड आना चालू हो गया, फिर से ऑफ हो गया। एक सेकेंड, ये बार बार छूट रहा है, ये देखो कोड आना चालू हो गया। तो इसको मैं रजिस्टर को हटा दूंगा, ये देखो बोर्ड बंद हो गया। दोबारा मैं टिगर दूंगा, ये देखो दोबारा चल गया और ऑटोमेटिक चल गया, कोई भी कोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप रजिस्टर को बदल दो, मतलब रजिस्टर को चेंज करो, या फिर बाईपास करो, या फिर मॉस्फेट को बाईपास करो, आपकी मर्ज़ी। मैंने तरह तरह से दिखा दिया क्या करना है, क्या होता है, कौन सा केस में कंपोनेंट चेंज करना है, कौन सा केस में नहीं करना है, सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये था एक छोटा सा केस स्टडी जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो भाई अच्छा लगे, कुछ भी सीखे हो तो एक लाइक करके जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल, जय हिंद।